वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। क्या बोलती है पब्लिक? आज हमारे साथ में ना बहुत बड़ी हस्ती आए हुए है, रिजवान पटेल साहब, जिनके बकरे हमारे पास पलाई पे है। तो बकरे के साथ में खेलने के लिए आए हुए यहाँ पर। तो रिजवान भाई, आप तकरीबन 1 महीना हो गया आपका बकरा रखे यहाँ पर। हाँ तकरीबन। हाँ, तो फिर आपका क्या अपडेट है? ये बकरा जब मैंने लिया था तो ये आया था 33 kg पे और ये आया था 105 बुखार में। हाँ। और इसको जुए वगैरह भी थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये 38 kg पे है, मतलब 5 किलो वजन गेन किया। लेकिन ये बीमारी में भी था, उसमें ये थोड़ा बकरा पैक भी हुआ होगा, क्योंकि भाई देखो एक बकरेबाज हूँ तो हर चीज समझता हूँ। अच्छा। ऐसा नहीं होता है कि भाई बकरा मैंने इतना दिया तो एक बैग इतना बकरा चढ़ जाए, कम हो जाए। बकरा बीमार आया था, मेरी आँख के सामने ही थी सारी डिटेल, क्योंकि मेरे और विजिट मैंने किया था बीच में। तो और ऐसा है क्या भाई, तुम्हारे को तुम्हारा बकरा देखने के लिए हमारे को बहुत मिन्नत करना पड़ती है, बुलाना पड़ता है। भाई मुझे बुला रहे बार बार कि आओ अपना अपनी आँख से अपना जानवर देखो। एक्चुअली आना होता नहीं है बहुत। उसके अलावा भी अगर चलो है, इसके अलावा भी आपका मतलब हम लोगों का फीडबैक कैसा है, अगर आपका बकरा बीमार है या जो भी है, हम लोग कुछ ट्रीटमेंट करते हैं? फैसल भाई 100% उसके पीछे लगे हुए थे और मुझे बराबर अपडेट आ रही थी कि भाई बकरा बीमार चल रहा है 105 डिग्री बुखार में। उसके बाद फिर मैंने एक बार विजिट किया तो भी वो बुखार में ही था बकरा, मतलब 2-4 दिन में बकरा छोड़ने के बाद मेरी एक और विजिट हो गई थी, तो वो दौरान भी बकरा बीमार था। मैंने बोला फैसल भाई जो भी है देखेंगे इंशाल्लाह, मेरे को कोई टेंशन का मामला नहीं है। मैं क्योंकि खुद एक बकरा पालता हूँ पहले से ही, तो मेरे को मालूम है बकरा बीमार पड़ेगा तो वजन भी पीछे लेगा, उसके बाद फिर वो कवर करने के लिए भी टाइम लगता है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बकरा जब बीमार होने के बाद में भी अगर 5 kg गेनिंग पे देता है, गेनिंग पे दिया तो माशाल्लाह सेटिस्फाइड रिजल्ट होता है उसके अंदर, क्योंकि आज के तारीख में मतलब सेल्फ फीडिंग के ऊपर जानवर 5 kg गेन करना बहुत बहुत। वो भी अंडू, मैंने उसको पंच किया नहीं हूँ, मेरा इरादा है क्योंकि मेरे घर की कुर्बानी का जानवर है, तो अभी इसको मैं पंच करूँगा, लेकिन थोड़ा रुक के थोड़ा और इसको मैं चाह रहा हूँ थोड़ा और आगे आए, उसके बाद में इसको। हाँ, तो मैं तो चाहता हूँ कि भाई तुम पंच ही नहीं करो इसको, और इंशाल्लाह घर पे जाओगे ना लेके तो घर वाले भी अंडू बकरे के शौकीन हो जाएंगे, क्योंकि आप बकरे की देखो स्मेल नहीं है बकरे। हाँ, बकरे में स्मेल नहीं है, ये बात तो स्मेल नहीं है बकरे में, स्मेल ना इंशाल्लाह गोश्त में भी स्मेल नहीं आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि हम लोग है ना वो क्योंकि मेरे जो वालिद साहब है ना थोड़ा अंडुल से, वो मैं तो कर लेता हूँ क्योंकि मुझे शौक है अंडुल बकरों का, पहले से मैं अंडुल बकरे पालता हूँ और मैं कोटा बकरे में पाल चुका हूँ, तो मैं वो बकरे जल्दी खस्सी करता नहीं हूँ, उसको फिर मुझे बेच के ही जो भी रिकवर करना पड़ता है। तो ये बकरा है इंशाल्लाह, मैं इसको अभी फैसल भाई अगर करेंगे खस्सी तो ठीक है, ना तो फिर इसको अंडुल में ही घर। एक्चुअली मैं ना खस्सी के लिए करने के लिए थोड़ा पीछे हटता हूँ, क्योंकि आई एम अंडुल लवर। ऐसा नहीं है क्या भाई कोई चीज को देखा जाए तो, लेकिन कैसा है कि घर के मसले जो है ना थोड़ा अब्बा की वजह से, और ये इंशाल्लाह मतलब कुर्बानी ये साल है अगले साल है इसकी, नहीं इंशाल्लाह ये साल फैसल भाई। तो फिर मैं राय दूंगा कि अभी खस्सी मत करो, बकरे को कम बैक करने के लिए 3 महीना लगेगा। अच्छा। तो इंशाल्लाह देखेंगे यार। हाँ, तो वही है, बिगर खस्सी करे इंशाल्लाह। तो अगर मेरा इरादा फैसल भाई अगर हो गया ना, अगर रहा तो मैं इसको रिपीट भी कर दूंगा एक साल। रिपीट करना ऐसा है क्या, देखो वो अप टू यू है, लेकिन मैं पर्सनल राय और पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि हुआ मेरा भी। हाँ। जैसे एक और बकरा है लिया हूँ अभी मैंने। हाँ। लेकिन वो अभी पीपीआर में, जस्ट अभी मैंने लेके आऊँ बकरा फुल पीपीआर में से, तो अभी जैसे अगर वो रिकवर करता है क्या करता है उसकी क्या कंडीशन होती है, अगर वो सही हो जाता है तो मैं इसको रिपीट करके उसको घर लेके जाऊंगा, उसकी कुर्बानी करूंगा और बदले में एक बकरा और खरीदूंगा इंशाल्लाह। भाई देखो वो तो गिव एंड टेक है, वो तो हाँ, तो वो तो फिर नहीं करना तो है, वो किसी भी हाल में करना है उसकी कुर्बानी, तो कुर्बानी करना है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर नियत ही कर लिया हूँ पहले से, जब लिया था तभी मैंने नियत कर लिया था कि बकरा घर की कुर्बानी के लिए ही रहेगा। नहीं, बेहतर है आप करो जो भी है, लेकिन मेरी एक सजेशन थी, अगर करते तो 5-6 महीना पहले करते तो वो बेहतर होता, क्योंकि फिर वो कम बैग में कभी कभी है ना, कभी कभी है ना पंचिंग फेल हो जाती है बकरे की पंचिंग। हाँ, क्या है फैसल भाई हर चीज से गुजर वाकिफ है। हाँ, क्योंकि तुम भी बकरे पर गुजरना। हाँ, तो मतलब तुम मेरे सीनियर हो, मेरे को तो आगे 4-5 साल हो गए भाई, तुम तो 12 साल से कर रहे हो। तो जब मैंने देवनार में फर्स्ट टाइम देखा था ना शहनशाह के, तब से मैं एक्सपायर हो गया था आपसे। एक्सपायर हो गए थे कि इंस्पायर हो गए थे? तो मेरे को एक्सपायर मत करो यार, बहुत सारी मेरे बच्चे लोग है यहाँ पर, 150 के करीब किसी और की अमानत है। इंस्पायर हो गया था आपसे। हाँ। और उस टाइम मुझे जोश चढ़ गया था कि नहीं अब अपन भी बकरेबाजी करेंगे। इंशाल्लाह करो, मेरे यहाँ पर जितने भी बकरे और मेरे पर्सनल बकरे आप कभी भी आके निकाल सकते हो। मतलब ये सब चीज से रिलेटेड नहीं था कि फार्म होता है क्या होता है,
तभी मुझे जब नाम सुना कि भाई आरके गोट फार्म है यहाँ पे, कभी आप फैसल भाई ने क्या शायद वहाँ पे था मुमरा में खड़ी गाँव जहाँ पे अभी दानिश भाई ने फार्म खोले जी जी था, तो मैं एकदम इंस्पायर हो गया था जिससे कि नहीं अपना भी एक होना चाहिए, अपन भी बकरे पालेंगे कोई ना कोई फार्म पे। तो मतलब मैं पर्सनली फैसल भाई को ना जानता नहीं था, जब बकरेबाजी में जुड़ा लोगों के ग्रुप में आया तब मुझे पता चल गया भाई फैसल भाई, तो थोड़ा मैं हिचकिचाता भी था बात करने के लिए कि भाई इतना बड़ा आदमी बात करेगी। हाँ तो मैं मतलब मैं घमंडी टाइप का एटीट्यूड जैसा लोगों की सोच है जो मतलब वो एक्चुअली क्या है मालूम क्या लोग, लेकिन 4 साल पुरानी बात हो गई वो, लेकिन मैं पर्सनली जानता नहीं था लेकिन अब पर्सनली जानता हूँ ऐसा लगता है। नहीं एक्चुअली क्या लोगों की आदत होती है क्या है ना, वो बुक का कवर देख के ना बुक बता देते कि ये अच्छी है क्या नहीं है, 2017 की बात है अभी भी ये चलता है लोग तो नहीं लोग आज भी सोचते हैं और कुछ लोगों को बोलते भी है। आदमी हर चीज को जब फिल्म बना बात करते हैं फैसल भाई अच्छी चीज है, और मैं भी अब खुल के उनसे हर चीज शेयर भी कर लेता हूँ बातें भी करता हूँ। नहीं लेकिन आज भी है कुछ लोग है क्या वो लोग बोलते हैं क्या भाई ये घमंडी है आकड़ू है एटीट्यूड वाला है बात नहीं करता है सही ढंग से धिक्कारता है। रोक टोक नहीं है तुम्हारे को, लेकिन क्या है तुम्हारे पैर पड़ना पड़ता है हमारे को क्या भाई आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ भाई, ऐसा है कि 15-20 दिन से तुम मेरे को टोपा दे रहे हो आने के लिए। एक्चुअली कैसा है मेरा खुद का ट्रांसपोर्टेशन का काम है, मेरी टेम्पो भी है तो मुझे चलाना पड़ता है, पर्सनली चलाता हूँ कोई ड्राइवर। लोगों को ये बात बताऊंगा कि भाई अपने और मैं पहले भी बकरे कहीं रखता था ना फार्म में फैसल भाई, तो मेरे भरोसे के ऊपर जैसे आपके ऊपर भरोसा है मेरे को नहीं भाई, अभी आज तो मेरे को ये हो गया कि भाई मेरा जो बकरे का केयरटेकर है इस वक्त वो खुद आरके, तो मैं तो एकदम टेंशन फ्री हो गया। लेकिन लोगों को ये भी बताऊंगा कि अपने रिजवान भाई है ना लोडिंग अनलोडिंग का भी काम करते हैं, अगर किसी को कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप इनको कॉल करें। हाँ तुम्हारा मोबाइल नंबर दे दो अगर कुछ भी है। 8080280742 ये मेरा कॉलिंग का नंबर है, और 8291417491 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। वापस रिपीट करो स्लोली स्लो। 8080280742 ये मेरा कॉलिंग का नंबर है, और व्हाट्सएप का मेरा नंबर है 8291417491। अच्छा तो तुम्हारा कोई एक सीक्रेट नाम भी है? हाँ प्रिंस अरमान पटेल, जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फेमस है इस बार। भाई राज खोल लिया आखिर में मैंने। एक्चुअली क्या है ना फैसल भाई लोग जब सुनते हैं ना नाम ये कुछ अभी एक्चुअली आसिफ भाई के फार्म से भी सिलसिला हुआ तो लोग है ना बिचक जाते नाम सुन के, कहले यही है क्या हो मतलब खोदा पार निकला चूहा तो बस बहुत बहुत शुक्रिया था रिजवान भाई आने के लिए, हमारा हौसला अफजाई करने के लिए और एक एक बकरा लाके देने के लिए हमारे यहाँ पर पलाई के लिए। तो हालांकि मेरे यहाँ पर जगह फुल हो चुकी है नहीं है, लेकिन आपने फैसल भाई आपको मैं लेके आ रहा हूँ बकरा। हाँ लेकिन मेरा मेन क्या था कि आपका बकरा बीमार है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए मैंने बोला कि भाई ठीक है लाके छोड़ दो मैं ट्रीटमेंट कर लूंगा, तब तक जगह बन गई तो है मैं कुछ ना कुछ उसका करूंगा, क्योंकि देखो आप घर पे रख नहीं सकते बीमार जानवर, तो मेरे पास कुछ फैसिलिटी है तो वो फैसिलिटी के तहत है इंशाल्लाह। हाँ तो खैर है चलो इंशाल्लाह, बस दुआ में याद रखना अपना ख्याल रखना, अपने अम्मी अब्बा का फरमा बदा बनो, ज्यादा से ज्यादा झाड़ लगाओ, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया पॉल्यूशन फ्री इंडिया, और जरूरतमंद की मदद करना भूलना नहीं, और रिजवान भाई थोड़ा गोश्त भी खाया करो यार हड्डी के ढांचे हो गए। चलो अल्लाह हाफिज़।